हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ एक फेस वॉश का कर रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश तो दोस्तों मैंने ये फेस वॉश लोकल स्टोर से खरीदी खरीदी थी और इसका प्राइस है तो दोस्तों इसका प्राइस पड़ा मुझे वन फिफ़्टी फ़ाइव रुपीज़ थोड़ा सा डिस्काउंट में भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपने आ, आ, लोकल स्टोर से खरीदा या ऑनलाइन से ख़रीदा तो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका शेल्फ लाइफ आप, लो, आप लोग देख सकते हो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और इसका नेट वॉल्यूम वन फिफ्टी एम एल है दोस्तों तो दोस्तों Uh, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है आप लोग देख सकते हो नीम एंड टर्मरिक और ये एक प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग में आता है और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है uh, अगर आप लोग चाहो तो इसका छोटा पैक भी ख़रीद सकते हो मेरा ट्यूब फ्लिप uh, कैप थोड़ा सा लूज़ uh, हो गया है मगर इसका फ्लिप कैप टाइट ही रहता है अगर आप चाहो तो आ, दूसरा छोटा वाला भी पैक खरीद सकते हो उसका कैप थोड़ा सा टाइट रहता है ये थोड़ा सा मेरा कैप लूज़ होता है लेकिन ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है दोस्तों आ, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख सकते हो नीम और टर्मरिक यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ये भी क्लेम करते हैं कि ये पिंपल्स को प्रिवेंट करता करता है ये फेस वॉश तो दोस्तों मैंने इसे इस्तेमाल की है उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है आप लोग देख सकते हो निम्बा और हरिद्रा और भावा प्रकाशा और इनएक्टिव में आप लोग देख सकते हो फिनाक्सी या इनएक्टिव है इसमें नहीं है आप लोग देख सकते हो तो so, दोस्तों यहाँ पे आ, लिखा हुआ है अ अप फ्री हर्बल फार्मुलेशन दैट जेंटली रिमूव्स इम्प्यूरिटीज एंड प्रिवेंट्स पिंपल्स नीम वेल नोन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम कॉजिंग बैक्टीरिया एंड टर्मरिक इफेक्टिवली कंट्रोल्स एक्ने एंड पिंपल्स यूज रेगुलरली फॉर क्लियर सॉफ्ट एंड पिंपल फ्री स्किन तो दोस्तों ये था इसका इंट्रोडक्शन uh, तो मैंने मैं आप लोगों को पढ़ के बता दी तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शंस लिखा हुआ है मॉइशन फेस एंड नेक अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हिमालय नीम प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश एंड जेंटली वर्क अप अ लेदर यूजिंग अ सर्कुलर मोशन वॉश ऑफ एंड पैड ड्राई यूज ट्वाइस डेली यूज हिमालय प्यूरिफाइंग नीम पैक वंस अ वीक टू रीजूविनेट एंड रिवाइटलाइज योर स्किन तो दोस्तों मैंने इसे इस्तेमाल की है और आ, इसका जो रिजल्ट मुझे मिला वो अगर आप लोगों को आप लोगों का पिंपल आ, और एक्ने प्रोन स्किन है तो ये थोड़ा बहुत पिंपल तो रिमूव करता है मगर अगर आपको आप लोगों को ज़्यादा पिंपल है तो वो उतना तो नहीं करेगा पिंपल रिमूव तो आप लोग एक डॉक्टर से आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना अगर आपको पिंपल या एक्ने की ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो, तो उतना तो ये रिमूव नहीं करता पिंपल्स तो थोड़ा थोड़ा बहुत रिमूव करता है तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चर बाय द हिमालया ड्रग कंपनी और यहाँ पे आ, कुछ आ, उन लोगों का एड्रेस हिमालय ड्रग कंपनी का एड्रेस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और या ये एड्रेस ईमेल एड्रेस दिया हुआ है अगर आप चाहो तो यहाँ पे फीडबैक भी भे, भी भेज सकते हो यहाँ पे लोगों का एड्रेस दिया हुआ है आप लोग एक बार देख लो आ, वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग देख लो तो दोस्तों बात आ, अब बात करती हूँ मैं आ, इसे यूज़ करके मुझे क्या फ़ायदा हुआ तो दोस्तों सच बताओ तो मुझे गर्मियों में, में मेरी स्किन बहुत ही ऑयली हो जाती है तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं है मेरी तो कॉम्बिनेशन स्किन है और सीजन के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो स्किन टाइप है वो चेंज होता है तो गर्मियों में हम लोगों को बहुत मुझे तो बहुत ऑयलीनेस होता है मेरी स्किन को तो उतना ऑयल ये इतना रिमूव नहीं करता तो दोस्तों जिन लोगों की ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो वो आप लोग चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो और अगर ऑयली स्किन वाले इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसे सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि सर्दियों में ये ज़्यादा इफेक्ट देगा और इसे जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो इसे ये फेस वॉश थोड़ा बहुत मतलब काम देता है थोड़ा बहुत डर्ट और ऑयल रिमूव करता है मगर थोड़ी देर के लिए उसके बाद फिर स्किन ऑयली हो जाता है दोस्तों आ, और तो दोस्तों मैं मैं अगर सच बताऊ मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप लोग जान जानना चाहते हो तो मुझे ये प्रोडक्ट मुझे उतना भी पसंद नहीं आया है दोस्तों आ, अगर आप चाहो तो आप सर्दियों में इसे इस्तेमाल कर सकते हो जिन लोगों की ज़्यादा ऑयल होता है ज़्यादा डर्ट होता है ऑयली स्किन है जिन लोगों को आप चाहो तो इसे सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हो सर्दियों में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और जिन लोगों की ऑयली स्किन है उ, उन लोगों को थोड़ा मतलब उन लोगों को ऑयल उतना ज़्यादा रिमूव नहीं कर पाएगा ये फेस वॉश इसे इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा ग्रीसी और ऑयली भी हो जाता है मेरा स्किन जब मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन तो ऑलरेडी ही ऑयली ही है आप लोगों को पता ही है मेरा स्किन गर्मियों में बहुत ऑयली हो जाता है तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो इसे ना इस्तेमाल करें तो ही अच्छा है तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा खोल के अपने हाथों पे आ, मैं इसका दिख इसे इसका कलर मैं आप लोगों को और इसका टेक्सचर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से दिखने में है इसका खुशबू बिल्कुल भी आप लोगों को इरिटेट नहीं करेगा इसका खुशबू बहुत अच्छा है आ, बहुत माइल्ड है इसका खुशबू आप लोग देख सकते हो और इसे थोड़ा सा पानी देके और फिर इसे अच्छे से रब रग करना पता मैं थोड़ा सा पानी देके इसे रब करती हूँ तो दोस्तों इसमें ना आप लोग देख सकते हो तो ये आर्टिफिशियल कुछ कलर या फ्रेग्रेंस इसमें है ये क्योंकि ये इसका कलर ग्रीन है तो इसमें कलर तो है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये मैं थोड़ा सा पानी डाल के दिखा दी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को ये जेल बेस्ड फेस वॉश है आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये कुछ इस तरह सा है तो दोस्तों ये था मेरा आज का ये रिव्यू हिमालय का नीम प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश जो मैंने आप लोगों के साथ अभी मैंने इसका रिव्यू मैंने शेयर किया ये तो उतना झाक भी नहीं देता ये वाला तो दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मैं आप लोगों को एक बार बताना दे बताना चाहती हूँ और अगर आप लोगों को ज़्यादा ऑयली ऑयलीनेस हो या ऑयल की प्रॉब्लम हो स्किन में ऑयली ओयल स्किन ऑयली स्किन हो आप लोगों की तो आप ना ये वी एल का ये डब डबल पावर डबल नीम ये वाला फेस वॉश आप लोग ज़रूर ट्राई करना मैंने आ, मैं अपने वीडियो आ, आ, मेरा वीडियोस आप लोग चेक करना इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी में दे रिखी दी रखी है ये बहुत ही अच्छा झाग देता है आ, और ये बहुत इस इसे यूज़ करने से थोड़ा सा ठंड ठंड सा महसूस होता है और ये बिल्कुल भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट अ मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है पैराबिन फ्री पैराबिन और पैराबिन फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो ये और भी अच्छा है क्योंकि इसमें पैराबिन नहीं है ये सेफ़ है बिल्कुल यूज़ करने में और इसका रिव्यू मैंने अपने वीडियोस में डाल दी है आप लोग ज़रूर इसे चेक करना और इसे यूज़ करना अगर आप लोगों की ज़्यादा ऑयली स्किन हो तो आप लोग ज़रूर इसे यूज़ करना ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा बिल्कुल ऑयलीनेस दूर कर देगा ये बहुत अच्छा झाग भी देता है मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ तो दोस्तों ये देखो कितना अच्छा झाग देता है मगर ये वाला तो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है ये हिमालय का नीम फेस वॉश ये उतना झाग नहीं देता है। जितना जितना है ये वी का नीम फेस वॉश देता है तो दोस्तों ये इसका महक भी बहुत अच्छा है हल्का नीम टाइप का है आप लोग देख सकते हो तो कितना अच्छा झाग दे रहा है मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई है ये उतना झाग नहीं, नहीं देता है मैंने तो एक बार आप लोगों को दिखा भी दी थी ये देखो इतना झाग नहीं देता इतना ये वाला देता है तो दोस्तों आ, मेरी मानू तो आप अगर आप लोगों को ज्यादा आ, पिंपल्स की आ, ज्यादा ऑयलीनेस होता है आप लोगों को तो आप ये वाला जरूर ट्राई करना आ, ये वाला ऑयली उय, पीपल ऑयली लोग ऑयली स्किन टाइप जो जिनको जिन, जिन लोगों का ऑयली स्किन है तो आप ये वाला इस्तेमाल मत करना आप ये वाला ही इस्तेमाल करना ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों और तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही और मेरे इस वीडियो का अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो पे तब तक के लिए बाय टेक केयर